आज के स्पीडो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे नाइन्थ क्लास के चैप्टर सर्कल से एग्जांपल नंबर 3। और ये एग्जांपल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को इन फिगर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और बोला गया है कि इस फिगर में ए बी क्या है, डायमीटर है किसका, इस सर्कल का। सी डी इज़ द कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर बोला गया है कि सी डी एक कॉर्ड है जो कि किसके इक्वल है, इस सर्कल की रेडियस के इक्वल है। ए सी एंड बी डी When extended, intersect at point E। और जब AC यानी कि देखिए इस लाइन सेगमेंट को आगे प्रोड्यूस किया जाता है और BD यानी कि इस लाइन सेगमेंट को आगे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो दोनों ही कहाँ पर मिलते हैं, पॉइंट E पर मिलते हैं। देन प्रूव दैट AEB इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब AEB जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो AEB यानी कि ये वाला जो एंगल है ये प्रूव करना है कि 60 डिग्री का है। तो क्या प्रूव करना है कि एंगल 60 डिग्री का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बट बड़े ध्यान से समझना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सी और ओ को ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में डी और ओ को ज्वाइन कर रहे हैं। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और इस पॉइंट सी और बी को भी हम लोग ज्वाइन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब जब हम लोग इतना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तब हम लोग आते हैं देखिए इस ट्राइंगल सी ओ डी पर। कौन सा ट्राइंगल, सी ओ डी। अब क्वेश्चन में दिया है कि सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस, यानी कि जो सी डी कॉर्ड है वो किसके इक्वल है, सर्कल की रेडियस के बराबर है। मतलब सी डी किसके इक्वल है, रेडियस क्या है, सी ओ ना, इसका मतलब ये दो लाइन सेगमेंट कैसे हो जाते हैं, इक्वल। साथ में हम लोग देखें तो ओ डी भी अपने आप में क्या है, रेडियस है, तो ये भी किसके इक्वल होगी, इस कॉर्ड के बराबर होगी, ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है। इसका मतलब इन ट्राइंगल सी ओ डी हम लोग देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड तीनों साइड्स कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। और जब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो जाती है तो कैसा ट्राइंगल बना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा इस ट्राइंगल में वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब ये क्या है 60 डिग्री, सेंटर पे बना हुआ एंगल है। और इस एंगल को कौन बनाता है, कॉर्ड सी डी कह लीजिए या फिर आर्क सी डी। अब जब आर्क सी डी सेंटर पे ये वाला एंगल बनाती है तो देखिए रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल क्या है, ये रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल है ना। अब इस रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में यही आर्क या यही कॉर्ड एक और एंगल बनाती है, कौन सा, सी बी डी। देखिए ये वाला जो एंगल है ये रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बना हुआ एंगल है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी आर्क सेंटर पे डबल एंगल बनाती है किसका, रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बने हुए एंगल का। मतलब ये कॉर्ड अगर सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनाती है तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बना हुआ एंगल कौन सा है, सी बी डी। तो ये वाला एंगल कितना होगा, जस्ट हाफ होगा किसका, सेंटर पे बने हुए एंगल का। मतलब 60 का हाफ कितना हुआ, 30 डिग्री। तो ये एंगल हो जाता है 30 डिग्री। इतनी बात को हम लोग मेंशन कर देते हैं पहले। अब अगेन हम लोग देखें तो ए बी क्या है अपने आप में, ए बी एक डायमीटर है। और अगर ए बी डायमीटर है तो ये क्या हुआ, ये एक सेमी सर्कल हुआ। और ए सी बी जो एंगल है वो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हुआ। और हम लोग जानते हैं कि सेमी सर्कल में बना हुआ जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। मतलब एंगल ए सी बी कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। इस पॉइंट को मैंशन करते हैं तो एंगल ए सी बी कितना है, 90 डिग्री है। अब हम लोग आते हैं इस ट्राइंगल ई सी बी में। तो जब हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें तो ये प्रोड्यूस की हुई साइड है और ट्राइंगल की दूसरी साइड ये है। तो ये इसके लिए क्या हुआ, इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हुआ। और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका सम किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल और साथ में ये वाला एंगल, इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ई सी बी का, करेक्ट है। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल ई सी बी, ए सी बी इज एन एक्स्ट्रा एंगल, देयर फोर एंगल ई प्लस एंगल सी बी ई, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। अब एंगल ई को तो ई हम लोगों ने रखा और इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 30 डिग्री, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। एंड दिस इक्वल टू ए सी बी कितना है, देखो ए सी बी है 90 डिग्री, तो यहाँ हम लोगों ने 90 रखा। सो एंगल ई इक्वल टू 30 को कर दिया ट्रांसपोज, तो 90 माइनस 30, तो एंगल ई की जगह पे क्या रखा जा सकता है, एंगल
ए ई बी। सो एंगल ई की जगह पर रखा एंगल ए ई बी इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चन के लिए अपनी प्ले लिस्ट पर चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।